नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। ये तो कामनी की लाश है। आइए। थोड़ी देर पहले ये मेरे साथ लड्डू खा रही थी। हाँ, तो आपने इसके लड्डू में जहर मिला दिया। मेरा मतलब है कि मतलब कुछ नहीं, जो भी कहना है पुलिस स्टेशन चल के कहना। चलिए हवलदार, इसका पोस्टमार्टम करवाओ और मुझे रिपोर्ट दो। आप चलिए मेरे साथ। जी साहब से हम कल बात करेंगे। जी अभी मैं घर जा रहा हूँ। जी कोई अर्जेंट बात हो तो मुझे फोन करना। जी सर। चलता हूँ। जी सर। हेलो साहब, मैं पीके दूध बोल रहा हूँ। पीके दूध साहब, वो इंदर है ना, उसकी पेट में जो जो दर्द हो रहा है वो तो गया बेचारा। ठीक है, तुम उसे कामगार हॉस्पिटल ले जाओ, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। कामगार हॉस्पिटल, क्या बात करे, ले जाना पड़ेगा। चलो हेलो साहेब, कल रात को इंदर का मर्डर हो गया है क्या? हाँ साहेब, उसका वो सब हॉस्पिटल में, आप जल्दी पहुंचिए। कौन से हॉस्पिटल में? वो कामगार हॉस्पिटल में साहेब। भर्ती किसने करवाया था? सर आप ही ने कहा था। मैंने कहा था? हाँ सर, आपको याद नहीं है, आपने रात को कहा था इसे भर्ती करो। क्या बकवास कर रहे हो? सर आप ही ने कहा था। शट अप। पहले महेंद्र गुड़गांव वाला, फिर कामिनी, फिर इंदर, और अब बचे हैं कल्लू बिहारी और लड्डू सिंह। इंस्पेक्टर विनायक, तुमने मुझे सलाखों के पीछे खड़ा करके अच्छा नहीं किया, शायद तुम मेरी ताकत से नावाकिफ है। हवलदार, हमें किसी ने पुकारा। कहिए सरकार। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? भाई एक फोन करना था मुझे। फोन? देखिए, मैं आपको बाहर तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन और एक ऐसा हो जाए तो मैं आपके लिए कुछ पर्सनल उपाय दे सकता हूँ भाई। अरे जी, वो मेरे प्यारे हैं, ये लीजिए जल्दी कीजिए, इससे पहले कोई देख ले। हेलो, मैं
लड्डू सिंह बोल रहा हूँ। बोलो सेठ, क्या काम था? इंस्पेक्टर विनायक ने मुझे अंदर करके मेरी इज्जत पर दाग लगाया है। तुम उसके घर की इज्जत को दागदार कर दो। रोकड़ा बोलो। 2 लाख। 5 लाख। डन। तो उठा लो फन। ओके। वेल डन। हवलदार, लड्डू सिंह को जल्दी लाओ। जी सर। जी आइए आइए सर, आइए। अरे आइए जल्दी लाओ। लड्डू सिंह, इंदर का कत्ल हो गया है। क्या? मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि कोई तुम्हारा दुश्मन है या किसी का तुमने कोई नुकसान पहुंचाया हो जो तुमसे बदला लेना चाहता है? नहीं इंस्पेक्टर, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। कोई दुश्मन नहीं है तो फिर क्या वजह है? 2 दिनों के अंदर 3 हाथ से, वो भी तुम्हारे आसपास के लोगों के। इसकी क्या वजह हो सकती है? मुझे नहीं मालूम इसकी क्या वजह हो सकती है। हेलो। जी जनाब, मैं इंस्पेक्टर विनायक के घर से उनकी। अच्छा ये बताओ, कल कोई फोन आया था और तुम्हारी उससे क्या बात हुई थी? कल कोई फोन आया था? क्या मतलब? मैंने तो अटेंड नहीं किया। लड्डू सिंह, मैं सिर्फ तुम्हें होशियार करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन कहता है कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। टेक केयर, तुम अब जा सकते हो। पहुंचने वाला है इंस्पेक्टर, क्योंकि तुम्हारे घर में नुकसान पहुंचाने वाला पहुंच चुका है। टेक केयर। मुझे अब लड्डू सिंह पर भी नजर रखनी होगी। इट्स ऑल राइट। लड्डू लड्डू तो ये भी सही है। Thank you.
मुझे क्या हो रहा है? मैं पीछे क्यों जा रहा हूँ? मैं मुझे क्या हो रहा है? ये है इंस्पेक्टर साहब का। अरे ये आपने उल्टा क्यों मारा चला रहा है? मुझे क्या हो रहा है? मेरी जीप मोहतरमा यहां कैसे? क्या बात हो सकती है? पांच लाख की सुपारी दी थी मैंने तेरे को, 5 लाख की। 5 लाख में 5 मर्डर होते हैं, 1 लाख में तेरा भी। सर 5 लाख मुझसे वापस ले लेना, पर ये काम मुझसे नहीं होगा। क्यों? तुझसे क्यों नहीं होगा? वहाँ वहशी आत्मा है। वहशी आत्मा? हाँ, डांसर बिल्ली की आत्मा मैंने देखी है। बिल्ली? लड्डू जी, आपके चेहरे पे पसीना। तुझा अच्छा साहब, बेहुदा किस्म की बात कर रही हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैंने अपनी इन आंखों से उसे देखा है, एक बदमाश टाइप का आदमी, उल्टे पांव, आप समझ रहे हैं ना, उल्टे पांव भाग रहा था। मैंने आपके घर की छत पर एक लेडीज को देखा, पता नहीं उसकी आंखों में ऐसा क्या अजीब सा था कि मुझे मेरा ही होश नहीं रह गया कि मैं कहां पर हूं। आई स्वेयर, उसके बाद पता नहीं मैं कैसे आपके यहां से निकली। आपने मुझे वहां देखा? आप जैसा कोई वहां से निकला ऐसा मुझे लगा, लेकिन मैं इतनी जकड़ चुकी थी, आप बिलीव क्यों नहीं करते? उसके बाद आपको होश कब आया? इस आपकी जगह से कुछ दूर बाहर जाने के बाद, when I felt realization, मुझे रियलाइज हुआ, अपना सेंस रियलाइज हुआ मुझे। उसके बाद आप कहां गई? मैं, ये मेरी फ्रेंड है, ये ठीक कर लेती है, मैं इनके पास गई और इनको लेकर आपके पास आई।
उस दिन तो कल्लू बिहारी भी मेरी गली से गुजरा था, कहीं वो था। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा कार्ड है, कभी जरूरत पड़े तो बुला लीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगी। चलो बाय द वे इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात पर गौर फरमाइएगा, ये मेरी पर्सनल राय है। बाय। लेकिन इससे पहले मुझे ये जानना होगा कि कल्लू बिहारी मेरे इलाके में उस दिन क्या कर रहा था। कौन है बे? तेरा अब्बा पुलिस साले यहाँ ऐसी करता है? हेलो कल्लू भाई, एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ, आपका वीजा टिकट तैयार है। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। जल्दी है भाई, फ्लाइट का टाइम हो गया है। आ रहा हूँ। कौन सी बिल्ली? बिल्ली, बिल्ली, लड्डू को बचाओ। बिल्ली, लड्डू को मार डालेगी। लड्डू बस। जी सर, इसकी लाश ले जाओ। ओके सर। लड्डू सिंह, इसकी लाश को उठाओ और जीप में डालो। जी सर। जल्दी जल्दी करो। राम पुलिस की टांगे पकड़, उठाओ उठाओ जल्दी। जितनी जल्दी हो सके लड्डू सिंह के बंगले पर आ जाओ, लड्डू सिंह का कत्ल हो गया है, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है साहब। हेलो 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 हेलो
हेलो, तो आप थे फोन पर? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? मेरे मोबाइल पे आपका नंबर आ गया था। अच्छा सुनो, आज जरा जल्दी घर पर आ जाएंगे आप, क्योंकि बच्चे बहुत मिस कर रहे हैं आपको। हाँ ठीक है, पहुँचता हूँ। अच्छा ओके। इसकी लाश को हॉस्पिटल की गाड़ी आ रही है, उसमें डाल के ले जाओ। जी साहब। लेकिन मैं इंस्पेक्टर को बताना चाहती हूँ कि आत्माएं होती है। हाँ, आत्माएं होती है, आत्माएं होती है। त्रिजी नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर विनायक बोल रहा हूँ। मैडम, मैं चाहता हूँ कि आप कल शाम मेरे घर पर आएं, क्योंकि जो बात आपने कही थी कि कहीं ना कहीं कुछ है मेरे घर में, आई कांट अंडरस्टैंड हियर, बट कुछ महसूस मैं जरूर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्लीज। ठीक है, मैं आ जाऊंगी कल शाम को 7 बजे। ओके ठीक। ओम हरिं करिं चामुंडाय विच, 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 ओम हरिं करिं चामुंडाय विच। जो करना है जल्दी कर तू, ऐसा जी मैं समझाऊं। जल्दी कर तू, मुझे निकाल यहां से, जल्दी कर। थैंक यू सो मच मैत्री, थैंक यू सो मच।